हेलो फ्रेंड्स, फाइनली बीएड स्टूडेंट्स के लिए जो है एक के बाद एक अच्छी खबर आना स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि बिहार में जो है जो 2.0 वैकेंसी की बात की जा रही है, टीआरए 2.0, वो आ चुका है। सब अनाउंसमेंट जो है हो चुका है, उसी से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देंगे। साथ साथ सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों का ये हो रहा है कि सीटेट अपियरिंग को मौका मिलेगा या नहीं, यानी कि जो दिसंबर में सीटेट का एग्जाम बच्चे देने वाले हैं, क्या उनको मौका दिया जाएगा कि नहीं। बीएड अपियरिंग में जो बच्चे हैं, क्या उनको मौका मिलेगा या नहीं, ये सभी कंफ्यूजन आपके जो है इसी वीडियो में दूर होंगे। और साथ साथ हम क्वालिफिकेशन के ऊपर भी बात करेंगे, किन किन को मौका मिला है, डीएलएड, ग्रेजुएट, बीएड, किन किन को जो है इसमें जगह दी गई है, सभी चीजों पर आपको जो है बताया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको टीचिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, क्लासेस, नोट्स, सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। आप हमारा ऐप कैटली सोनी ऐप डाउनलोड कर लेना, जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी क्लासेस से रिलेटेड होगा, फ्री मटेरियल होगा, वो सभी चीजें जो है आपको उसी पे प्रोवाइड की जाएगी। देखो, ये तो आप लोगों ने कल देख ही लिया होगा, कल से ही ये इन्फॉर्मेशन जो आ रही है ये न्यूज़पेपर में आज आ गया है। आप लोगों का जो है टीआरई 2.0, एक तरफ तो बिहार में पहली वाली जो वैकेंसी है, रिजल्ट जो निकला है उस पे बवाल चल ही रहा है, लेकिन उधर दूसरी साइड में तो जो है 2.0 वैकेंसी सामने आ चुकी है। फॉर्म फिलअप का डेट दे दिया गया है, एग्जामिनेशन का डेट जो है कब तक हो सकता है, संभावित डेट, जिसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट संभावित डेट जो है वो भी दे दिया गया है, ये सभी चीजें जो है बता दी गई हैं। अभी इसमें मैं बताऊं तो अगर वैकेंसी की बात कर लेते हैं, सिर्फ 6 to 8 की वैकेंसी की बात करते हैं, तो 32,000 लगभग जो है पोस्ट है, ठीक है, 32,000 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है वैकेंसी के लिए। बहुत अच्छे अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी है, जिनको जो भी बच्चों को जो है निराशा हासिल हुई है 1 to 5 से, वो यहाँ पर जाकर के पूरा कर लेंगे। दूसरी जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है कि 50% जो है आरक्षण महिलाओं को रहेगा, 6 to 8 में 50% आरक्षण जो है, 50% सीट्स जो है महिलाओं को रहेगा, तो ये एक अच्छी चीज की गई है। अदर स्टेट को बिल्कुल मौका दिया गया है, अदर स्टेट वाले जो है यहाँ पर एलिजिबल है, लेकिन अदर स्टेट वाले वही है कि अगर आप अपने स्टेट में कोई भी कैटेगरी में हो, जैसे ओबीसी हो, एससी एसटी हो, तो आप यहाँ पर आकर जनरल कैटेगरी में ही आप जो है फाइट करोगे, तो अदर स्टेट को भी मौका है। ये सभी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, खास करके सीटेट के बच्चों के लिए, जो अभी हम अभी डिस्कस कर लेंगे। चलिए, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें जो है पहले मैं बता दूँ, उसके बाद से हम उन सभी चीजों पर आ जाते हैं। देख लो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों से बीपीएससी 3 नवंबर से 14 नवंबर, 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आवेदन लेगा। आवेदन के 1 माह के अंदर ही 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में ही आपको जो है एग्जामिनेशन स्टार्ट होना बताया जा रहा है। आपको ये देखो कि 3 से 14 नवंबर तक ज्यादा टाइम जो है फॉर्म फिलअप के लिए नहीं दिया जा रहा है, तो जितना टाइम आपको मिलेगा उसमें आपको फॉर्म भर लेना है। अब देखते हैं साइट कैसा काम करता है, क्योंकि साइट में भी प्रॉब्लम आ जाती है। एग्जामिनेशन 7 से 10 दिसंबर तक के बारे में जो है बताया जा रहा है। जो वैकेंसी है दूसरे चरण में, पहले से 70,000 है, पहले से जो वैकेंसी है 70,000 है, और अभी जो रिजल्ट आया है उसमें 40,000 सीट खाली रह गए हैं, तो ये पूरा मिलाकर आप लोगों की 1,10,000 सीट पर जो है ये वैकेंसी आएगी, जिसमें से 6 to 8 की बात करते हैं तो 32,000 6 to 8 में है। तो ये चीजें आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम आ जाते हैं जो नोटिस कल निकाल करके दिया गया है, जिसके बारे में जो है बच्चे, जिसमें सिर्फ डेट ही है, अभी अभी कुछ खास नहीं आया, लेकिन हम जो है आगे के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें यहाँ पे देख सकते हो 3 नवंबर से 14 नवंबर तक जो है आप लोगों का फॉर्म फिलअप का डेट है। एग्जामिनेशन का डेट जो है 7 से जो है 10 तक दिया गया है, जिसमें एग्जामिनेशन हो सकते हैं, ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिस है। अब देखो, हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्या सीटेट अपियरिंग को मौका मिलेगा, सीटेट अपियरिंग को मौका है, ठीक है, और दूसरा की जो बीएड अपियरिंग है, क्या इनको मौका मिल रहा है, इन पे भी बात कर लेंगे। देखो, सीटेट अपियरिंग को अभी जितना जो भी चीजें आई हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो उसमें अभी कुछ क्लियर नहीं किया गया, लेकिन लेकिन जैसे पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम वाले में जो आया था उसमें सीटेट अपियरिंग को मौका दिया गया था,
अगर आप लोग को याद हो तो आप लोग का एग्जामिनेशन जो है 20 अगस्त को हुआ था, है ना, सीटेट वाला, और आप लोगों का जो इधर एग्जामिनेशन बीपीएससी वाला जो एग्जामिनेशन स्टार्ट था वो 24 से समथिंग स्टार्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको मौका मिला था, उसी तरह से उम्मीद ये है कि सीटेट अपियरिंग को मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर पाए, ये बीपीएससी टारगेट रखेगी रखेगी। अभी देखो जो भी रीजन समझो, लेकिन उसमें तो ये चीजें हैं कि उनको रखा जाएगा। तो अगर आप अभी की बात करोगे तो 90% चांसेस है पूरी तरीके से कि सीटेट अपियरिंग को मौका दिया जाएगा, जब नोटिस आएगा उसमें बताया जाएगा। बीएड अपियरिंग को भी मौका मिलेगा, लेकिन जो लास्ट सेमेस्टर में या सेकेंड ईयर में रहेंगे उन्हीं को मौका मिलेगा। इसमें क्राइटेरिया यही दी जाएगी कि काउंसलिंग के टाइम में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। यही जो है, जो पिछली बार दिया गया था वही चीजें जो है इस बार भी इसमें दी जाएगी। तो ये दोनों चीजें में अभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देखने को मिल रहा है कि सीटेट अपियरिंग एंड बीएड अपियरिंग को मौका दिया जा सकता है। अब बात करते हैं डीएलएड। अब इसका क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। हम अभी 6 to 8 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। 6 to 8 के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है उसमें अगर आपको मैं बताऊं, सबसे पहला तो आप लोगों का ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन एंड जाहिर सी बात है कि प्लस बीएड, 2 साल का बीएड है तो 2 इयर्स वाला बीएड जो है ये चाहिए। दूसरा जो है आप लोग का डीएलएड को भी मौका दिया गया है, डीएलएड कैंडिडेट को भी मौका मिला है, वो लोग भी जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। तीसरा जो है मौका है इंटीग्रेटेड कोर्सेज को, उनको भी दिया गया है, ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्स जिन्होंने 4 साल वाला किया है उनको भी मौका है। साथ ही साथ इसके अलावा इसमें आपका सी टेट या बी टेट जो है क्लियर होना चाहिए या फिर अपियरिंग में होना चाहिए, ये इसके संभावित यही जो है इसके क्वालिफिकेशन आएंगे। सी टेट और बी टेट, आपने अगर बी टेट पहले से क्लियर करके रखा है तो आप फॉर्म भरेंगे, सी टेट अगर आप क्लियर कर लिए हो तो वो आप करोगे, और नहीं तो सी टेट का जो एग्जामिनेशन आप दोगे दिसंबर में, उसका एप्लीकेशन नंबर जो है डालना होता है जैसे पिछली बार हुआ था, वो आपको मौका मिलेगा। तो ये सभी चीजें अभी आ चुकी हैं, और ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को, और जो इससे डिटेल नोटिस जो बोलते हैं, जो सिलेबस बोलते हैं, ये सभी चीजें आपको बीपीएससी की तरफ से बहुत जल्द इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, और जैसे ही वहां पे इससे इंफॉर्मेशन मिलेगी हम आपको जो है इन्फॉर्म करेंगे। यहाँ पर एक और चीज आ रही है, 3 कैटेगरी में जो है वो इसका 6 to 8 का जो है एग्जामिनेशन लेने की बात हो रही है। पहला कैटेगरी लैंग्वेज का रहेगा, लैंग्वेज कॉम्बिनेशन बन देख लेना भाई कि कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं। लैंग्वेज का मतलब हो गया हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, ये वाले सारे जो है स्टूडेंट का। तो पहला कैटेगरी लैंग्वेज का रहेगा, दूसरा कैटेगरी सोशल साइंस का रहेगा। सोशल साइंस के जो टीचर बनना चाहते हैं वो अपना प्लीज कॉम्बिनेशन मैच कीजिएगा, इसमें आप लोगों का जो है कॉमर्स वाले स्टूडेंट फॉर्म भर पाएंगे, होम साइंस वाले स्टूडेंट फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है, होम साइंस वाले भर पाएंगे। इसी में जो है आप लोगों का जिन्होंने हिस्ट्री ग्रेजुएशन में, जिसका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, आपका जो है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स, दो इसमें से कम 2 सब्जेक्ट आपका होगा तो भर पाओगे। तो ये सोशल साइंस वाला जो है एक थोड़ा सा वाइड है, और इनका कॉम्बिनेशन आपको अपना देखना पड़ेगा कि आपका है कि नहीं। लैंग्वेज में इस बार बोला है कि आप लोगों का ग्रेजुएशन में जो है 3 ऑनर्स होना चाहिए। जैसे मानो कि आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हो तो हिंदी जो है आपका ग्रेजुएशन में ऑनर्स होना चाहिए, 3ों साल में पढ़ा हुआ ऑनर्स होना चाहिए। अगर नहीं है हिंदी तो आपका ऑनर्स में तो सब्सिडरी पेपर भी चाहिए संस्कृत के साथ। तो ये सारी चीजें जो है अभी कॉम्बिनेशन मैच करके आपको देखना होगा। तीसरा जो है आप लोग का साइंस को लेकर के है, साइंस तीसरी कैटेगरी जो रहेगी वो साइंस की रहेगी, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ये सारी जो है चीजें आ जाएंगी। तो 3 कैटेगरी में 6 to 8 में जो है ये वैकेंसी आ रही है, और इन 3ों कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कॉम्बिनेशन आपको मैच करना पड़ेगा। तो फिलहाल जो है यही इन्फॉर्मेशन है बीपीएससी TRE 2.0 से। इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन बीपीएससी की तरफ से नोटिस आता है जो कि आते रहेगा, तो
उसका भी इंफॉर्मेशन हम आपको डेफिनेटली दे देंगे। फिर मिलूंगी, टेक केयर एवरीवन।